यमुनानगर में 13 जनवरी के दिन आज इनेलो पार्टी के युवा नेता अर्जुन चौटाला ने इनेलो कार्यालय पर युवाओं से मीटिंग की और अपने संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वे दिन दूर नहीं जब प्रदेश के युवाओं के हाथ में हरियाणा की सत्ता होगी। 21 जनवरी को कैथल में होने वाले युवा सम्मेलन में युवा प्रदेश की दशा और दिशा तय करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला ने शनिवार को इंडियन नेशनल लोकदल कार्यालय यमुनानगर में उपस्थित हजारों युवाओं को संबोधित करते हुए कहे। आपको बता दें कि अर्जुन चौटाला ने कहा कि हर राष्ट्र की तरक्की में युवाओं की शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की युवा शक्ति अगर एकजुट हो जाए तो किसी को भी सत्ता की दहलीज तक पहुंचा सकती है और किसी भी दल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकती है और आगे भी इस प्रदेश की राजनीति के अंदर भी बल्कि इस प्रदेश के भविष्य के अंदर युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 60% से ज़्यादा जो आबादी है वो युवाओं की, और वहीं दूसरी तरफ आज हरियाणा के अंदर 38% बेरोजगारी की। इसका सीधा सीधा असर हमारे प्रदेश के युवा के ऊपर पड़ता है। आज युवा को जागरूक भी होना जरूरी है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना जरूरी है। केवल एक पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में मौजूदा सरकार ने ईडी को एक औजार बना के इस्तेमाल करने का काम किया। आप देखें कि जहां कहीं भी ईडी ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट जारी करे हैं, एफआईआर जारी करी है, वकालतनामा जारी करा है, कहीं पर भी दिलबाग सिंह के ऊपर कोई भी आरोप तो लगा ही नहीं सकते, ना उनके घर से कोई चीज़ बरामद नहीं। ये केवल और केवल राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया जो है ये सरकार की तरफ से करी जा रही है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता और हरियाणा का एक एक नागरिक इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझता है। आज इस देश के अंदर, प्रदेश नहीं कहूँगा बल्कि देश के अंदर, एक ऐसी प्रथा बन चुकी है कि जिसने भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करा है उसकी आवाज़ को दबाने का इस सरकार ने काम किया, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे किसी भी प्रकार का आदमी हो, जिसने भी आज तक इस मौजूदा